बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का पोस्ट काफ़ी ख़ास होने वाला है। इस पोस्ट में हम बताएंगे कि दसवीं के जो छात्र हैं वो नए होते हैं और उन्हें ऑनलाइन टेस्ट देने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कैसे ऑनलाइन टेस्ट में भाग लें और इजी वे में ऑनलाइन टेस्ट को में पार्टिसिपेट कर पाए। तो देखिए, इसके लिए आप URL को राइट ऑन कर लीजिए। ये URL है newsbylsk.com/10.html, ये दसवीं वाले छात्रों के लिए और इंटर वाले छात्रों के लिए। यदि आप इंटर के छात्र हैं तो इंटर वाले 12th.html पर जा कर के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो टेस्ट में भाग लेने का इसका तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इसको ऊपर बढ़ाइए और यहाँ पर देखिए आपको बटन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ बना है बटन साइंस 10th, उसके बाद विज्ञान 10वीं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, ये सारा बटन बना हुआ है। तो इस बटन पर क्लिक करके आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है टेस्ट में भाग लेने का तरीका। अब यहाँ पर स्टूडेंट आकर के क्लिक कर देता है, ठीक है। साइंस वाला पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हम अगले पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पास 53 टेस्ट अभी है और ये टेस्ट बढ़ भी सकता है। तो अब आपको इसमें से टेस्ट देना है। सपोज़ मान लेते कि हम यहाँ इसको बढ़ा रहे हैं, मैं 40 का टेस्ट देना चाहता हूँ, तो 40 जो टेस्ट 41 का टेस्ट हमको देना है तो 41 पर क्या करेंगे हम, इस पर ये देख रहे हैं, इस पर हमको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर 41 पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास में जो टेस्ट है वो टेस्ट पहुंच गया। इसको ऐसे बढ़ाइए बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते आपको मिल जाएगा, देखिए ठीक। अब ये देखिए यही वाला टेस्ट वाला है पोर्शन, इस पर ध्यान रखना, स्टार्ट क्विज, ठीक। ऊपर करते गए और स्टार्ट क्विज जहाँ पर मिला उस पर क्लिक करेंगे तो हम टेस्ट का क्वेश्चन हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। देखिए हम स्टार्ट क्विज पर क्लिक करते हैं तो देखिए निम्नलिखित में कौन कोई एक वायलिंग जंतु है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं। चलिए हम इस टेस्ट को देख लेते हैं कैसे करना है। आप जो ही क्लिक करेंगे, मैं अभी वैसे आपको डमी के रूप में बताने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ कुछ करके इसमें देख रहा हूँ कि आप कैसे इसमें कर रहे हैं। तो देखिए जो ही हम क्लिक करते हैं कि क्वेश्चन बदलता जा रहा है। देखिए मैं इसमें गुड स्कोर किया हूँ, अच्छा आया है, यानी 20 में 7 क्वेश्चन अच्छा बना है तो गुड हमको मिला है। अब यहाँ पर देखिए पट्टी बना हुआ आ रहा है, रेड कलर का जो पट्टी देख रहे हैं इसका मतलब हुआ कि आप गलत जवाब दिए हैं और हरा वाला में आप सही जवाब दिए हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन का ये आंसर आपको मिल गया। अब रेड वाला में क्या करना है, निम्न में कौन एक वायलिंग जंतु है, तो यहाँ पर कछुआ इसका सही आंसर होगा। नीचे करेक्ट आंसर जो दिख रहा है ये वाला इसका आंसर होता है, ठीक है। ये वाला इसका आंसर है, इसमें ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। तो इसे आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार आप टेस्ट में भाग लीजिए। अब फिर इसको ऊपर कीजिए और दूसरा टेस्ट देना है तो साइंस 10th ऑल टेस्ट पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार दूसरा पेज फिर खुल करके सामने में आ जाएगा। अब इसमें से जो टेस्ट आपको देना है उस पर आप क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ईजी वे है टेस्ट देने का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।